नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बेरिंग्स में। नॉलेज बेरिंग्स में आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। दोस्तों, आज नॉलेज बेरिंग्स की टीम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई है। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से मेमोराइज करिएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दें, जिससे आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो दोस्तों, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर को किसने डेवलप किया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इन्होंने कब डेवलप किया? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन। तो दोस्तों, इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में 1955 में इंस्टॉल किया गया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। जब हम कोई डेटा प्रोसेस करते हैं तो उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन था वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। फिफ्थ जनरेशन या लेटेस्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कौन सी है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किया गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज स्कैनर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। तो दोस्तों, डिफरेंट होस्ट के बीच में ईमेल फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है उस प्रोटोकॉल को SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एन एरर इज ऑल्सो नोन एज बग। कंप्यूटर एरर को बग कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इसे फिक्स करने की प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। Who invented the सुपर कंप्यूटर? तो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर को सेमुअल क्रे ने इन्वेंट किया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the IC chip used in computers is made of। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर में IC chip यूज की जाती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which was an early mainframe computer? तो दोस्तों, जो अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड? तो दोस्तों, इंटेल का जो हेडक्वार्टर है वो सेंटा कार्ला कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कैलिफोर्निया कहाँ है दोस्तों? USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड? तो दोस्तों, फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर कौन सा था? 4004। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये एक 4-bit प्रोसेसर था। When was the first email sent? तो दोस्तों, फर्स्ट ईमेल 1971 को सेंड किया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किसने सेंड किया था? रे टॉमलिंसन। ठीक। विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस? तो नॉन वोलेटाइल और ओनली वंस रिटन मेमोरी कौन सी है दोस्तों? प्रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ किलोबाइट आल्सो रिफर्ड टू एज KB इज इक्वल टू 1024 bytes। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मेमोरी यूनिट्स किस में मेजर की जाती है दोस्तों? बाइट्स में। इंटेल एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ ब्राउजर। इंटेल एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज इन द कंप्यूटर? दोस्तों, जो कंप्यूटर में हाई स्पीड मेमोरी यूज की जाती है वो कैच मेमोरी होती है। CPU से जो हम प्रोसेस करते हैं वो कैच मेमोरी में स्टोर हो जाती है, इसलिए क्विकली जो है रिट्रीव हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर?
तो दोस्तों जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय योर कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग रेलवेज एंड एयरलाइन। तो दोस्तों बैंकिंग रेलवेज एंड एयरलाइंस में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये हैवी डेटा प्रोसेस करने के लिए यूजफुल होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। तो दोस्तों फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो है डगलस एंगेलबर्ट ने 1964 में इन्वेंट किया था। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। तो दोस्तों अनसॉलिसिटेड ईमेल के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे स्पैम कहते हैं, इसे जंक मेल भी कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों लाइनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? फोरट्रॉन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फोरट्रॉन क्या स्टैंड करता है दोस्तों? फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व एज कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो दोस्तों कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।